टाइमिंग टिकली होती है, इसको टाइमिंग टिक्की भी बोलते हैं। इसको आपने यहाँ पे लगाना, इसका ये पैकिंग इसके अंदर लगाने के बाद आपने लगा देना। इसके आएंगे दो नट, एक आएगा यहाँ पे, ज़्यादा लंबा हो गया, एक नट आएगा यहाँ पे, दूसरा नट आएगा यहाँ पे। पंद्रह सोलह जी उनके जो गोटी कौन होती है, पंद्रह सोलह गोटी होती कौन। हेलो, इसकी रिंगे डालेंगे एसटीआर कंपनी की, ये ताइवान की कंपनी है एसटीआर की। ये इसमें हम रिंगे लगाएंगे इसकी, ये इसकी रिंगे हैं। पिस्टन इसका है 050 नंबर का, ये अभी इसमें इंस्टॉल करना है। जो इसका पिस्टन पहले निकला था वो था 0 का। इसको ऑयल लगाना है, हल्का सा लगा लूँ रिंगों के ऊपर। लगाने के बाद इसको भी हल्का सा अंदर ऑयल लगा लेना है और इसको फिर इस तरह इसके अंदर। सिलेंडर का पैकिंग ये जाएगा इसके अंदर। टाइमिंग चेन यहाँ से क्रॉस करेगी, इसके दो बुश हैं, बुशों के साथ इसको आप प्रेस करके बिठा दें। उसके बाद एक छोटी सी सील होती है वो लगेगी यहाँ पे, यहाँ पे लगेगी सील इसकी। ये लगाने के बाद फिर आएगा इसका सिलेंडर, इसको इसके अंदर ऐसे करके गर्दन पिन को हल्का सा चोट मार के आगे की तरफ कर दें ताकि वो अपने जगह पे आ जाए। उसके बाद इसकी एक लॉक है जो बाहर वाली साइड पे लगेगी। यहाँ पे इसकी लॉक आएगी गर्दन पिन की। ये आगे इसकी लॉक, लॉक लगाने के बाद आप हल्का सा इसको पिस्टन को हिलाने के बाद पुश करेंगे और ये इसके अंदर की तरफ चला जाएगा। और बाद में इसका आप ये जो रूलर रबड़ है ये यहाँ से डालेंगे, यहाँ से इसके अंदर इधर चला जाएगा अपनी जगह पे। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर उठा के मैग्नेट को पीछे की तरफ घुमाएं ताकि ये अपनी जगह पे आसानी से बैठ जाए। बैठने के बाद इसका नट होगा सिलेंडर का, वो आप लगाएंगे। ये वाला नट है यहाँ पे लगेगा, इसको आप पेचकस की स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको टाइट कर सकते हैं। ये आ गया, ये हो गया टाइट। फुल टाइट नहीं करना, नॉर्मल रखना है, बाद में आप लोगों ने चेक भी करना है। और ये देखें, ये NI का निशान ऊपर आ गया और ये 050 नंबर इसका वो भी ऊपर आ गया। सिलेंडर में एक बुश यहाँ पे आएगा और एक बुश यहाँ पे आएगा, दो बुश आते हैं सिलेंडर के। तो दोस्तों बात ये है कि थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो रही है, वो इसलिए कि मैं आपको मुकम्मल सेटिंग बता रहा हूँ कि ये कैसे लगती है। परेशान नहीं होना, आपने बने रहना है और वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप लोगों को सही मालूमात मिल सके। ये इसका गैस्केट है, इसको आप चाहे UH ट्यूब लगा दो चाहे ना लगाओ, क्योंकि ये साफ़ होना चाहिए। इसका फेस बराबर होगा तो ये कभी भी यहाँ से लीकेज नहीं करेगा। ये आ गया यहाँ पर। उसके बाद आप इसमें लगेंगी दो सीलें, एक सील आएगी यहाँ पे और दूसरी सील आएगी यहाँ पे। ये दो सीलें हैं, ये लगाना लाजमी होती हैं ताकि ऑयल नहीं गिराए। और ये इसका एक बुश होता है, ये भी आप यहाँ पे, किसी गाड़ी में होता है किसी गाड़ी में नहीं भी होता, तो अगर हो तो आप इसको बराबर इसमें लगा दें। यहाँ तक हो चुका है, अभी इसका आएगा हेड। ये इसका हेड जो हमने तैयार करके रखा था, अभी हेड की बारी है। इसके ऊपर अभी लगेगा ये हेड, ये आ रहा है इसका हेड।
रेड आ गया, और ये यहाँ से इसकी टाइमिंग चेंज जाएगी अंदर। इसको आप अंदर ले जाएं और इसको इसके साथ प्रेस करके, इसमें आप पेचकस फंसा दें ताकि टाइमिंग चेन गिरे नहीं। और फर्स्ट नंबर पे आप इसका पहले हेड का ये वाला नट लगाएंगे यहाँ पे। इसको आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप टाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा टाइट करें ताकि हेड अपनी जगह से हिले नहीं। ये हो गया। और उसके बाद अभी आप टॉप वाली टॉप कवर का ये पैकिंग लगाएंगे। इसको आप चेक करके लगाएं, ये खांचों में बिल्कुल बराबर आना चाहिए, यूँ इस तरह। उसके बाद ये इसका कवर है, ढकना, ये इसको ऊपर आएगा। एक इसकी वाशल यहाँ पे आएगी, एक यहाँ पे आएगी, चार वाइसरें होती हैं इसकी, ये आपने लगा लेनी है। उसके बाद इसका एक नट यहाँ पे आएगा, दूसरा नट यहाँ पे आएगा, तीसरा नट जो हमारा गिर गया था वो यहाँ पे आएगा। तीन नट लगाने के बाद चौथा नट, ये बिना कैप वाला होता है, ये यहाँ पे आएगा इस साइड पे, उस साइड पे नहीं आएगा, वो साइड आयल पंप की साइड है, वहाँ से अगर ऊपर ये कवर नहीं होगा तो आयल गिराएगा। लगा लेना यहाँ पे, ये न्यू पैकिंग है, ये आप लगा दें ताकि यहाँ से लीकेज वगैरह ना हो। इसके भी दो नट आपने लगा लेने हैं यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह करके, ताकि ये दोनों नट अपने बराबर आ जाएं। तो ये नट आप लोगों ने चेक कर लेने हैं, इनको भी हल्का हल्का सा फ़िलहाल टाइट करना है, दबा के टाइट नहीं करना, बाद में इनको चेक करेंगे स्टार्ट करने के बाद। ये दो नट टाइट हो चुके हैं, अभी इसकी लगाएंगे टाइमिंग। टाइमिंग लगाने से पहले मैं इसके ये नट टाइट कर लूँ हल्के हल्के से, ताकि ये अपनी जगह पे बैठ जाए पूरा प्रॉपर। ये हो चुका सेट, अभी हम इसकी करेंगे लगाएंगे टाइमिंग चेन। और टाइमिंग चेन तो लग चुकी है, टाइमिंग की गिरारी लगाएंगे। इसकी सेटिंग होती है मैग्नेट के साथ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी इसको ये जाएगी यहाँ से अंदर, टाइमिंग चेन को थोड़ा सा ऊपर उठा लें, ऊपर उठाने के बाद हल्का सा इसको करें पुश, तो ये अपने खांचे में बैठ जाएगी। यहाँ से आप चेक करेंगे, यहाँ पर होता है टी का निशान, आपने यहाँ पे लेके आना है, और उसके बाद इसको बराबर यहाँ पे रखना है। एक खांचा ये एडवांस है, इसको हम करेंगे रिटायर, एडवांस करेंगे। अब ये आ गई बराबर, यहाँ से टी बराबर होगी और यहाँ से ये खांचा बराबर होगा, तो इसकी टाइमिंग प्रॉपर अपनी जगह पर आ जाएगी। इसकी टाइमिंग में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं चलानी, सीधी सीधी सी होती है, के बाद इसके 9 के नट होते हैं, 9 mm के, इसको आप इसके साथ टाइट कर लें। ये होगी इसकी टाइमिंग आगे बराबर, इधर से टी का लगेगा ये वाला कवर, टाइमिंग कवर इसको बोलते हैं। इसका ये पैकिंग होता है और ये टाइमिंग कवर है। इस पैकिंग को आप यहाँ पे लगाएंगे ऐसे, यहाँ पे लगाने के बाद ये इसका नट है, ये उस तरफ से आएगा, यहाँ से आपको ये निकलेगा, और उसके बाद उसको यहाँ पे लगा दें और उस तरफ से इसका नट टाइट कर दें। तो उस तरफ से इसका ये नट टाइट होगा, ये हमारा शागिर्द लगा हुआ ये नट टाइट कर रहा है। आराम से बेटा, आराम से, आराम से, बस ये नट इसका टाइट हो गया। अभी ये यहाँ पे हो गया क्लियर, अभी इसके करेंगे वाल सेट। वाल सेट करने के बाद कर ली है, वालों की सेटिंग मैंने कर दी है, तो अभी हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा किक मारो गाड़ी को, किक मारो, बराबर। पहली किक गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और
अभी मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग बनाऊंगा, वो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, इसका ऑयल पंप भी काम कर रहा है बिल्कुल क्लियर, ऊपर से ऑयल आ रहा है। ये मज़ीद इसकी थोड़ी सी चल जाए उसके बाद फिर आप लोगों को बताते हैं।